तो भाई लखनऊ में हम घूम रहे थे और हमें घूमते घूमते दिख गए एक प्यारे से बूढ़े से अंकल। और वैसे इनके पास तो काफ़ी कुछ चीज़ें दिख रही है मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो मतलब शहरों में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन देसी चीज़ें। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम क्या है आपका? छटकाऊ जी। छटकाऊ छत्तो छटकाऊ 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 छटकाऊ। अच्छा अच्छा, तो आप वैसे आपकी उम्र कितनी है अभी? अरे वही 50-55। 50-55 की उम्र में आप एकदम तरोताजा और इतना मेहनत कर रहे हैं आप। अरे जी क्या करें, पेट पेट वो करावत है। युवाओं को इस अंकल से सीखना चाहिए। चलो अंकल, तो अभी बता दो, इतनी सारी देसी चीजें हैं आपके पास जो शहर में देखने को नहीं मिलता है, पहले बता दो ये क्या है? ये कैथा है। क्या है? कैथा। कैथा जी। तो इसका क्या कैसे क्या होता है, इसका कैसे खाते हैं इसको? इसको बना के और मसाला गबड़ के इसको। चलो अब जो भी है आप हमें बना के दिखाओगे जी। और ये भाई साहब की तारीफ, ये कौन है भाई? आप कौन हो? आपका नाम क्या है? रिंकू। रिंकू किनशुक? रिंकू रिंकू। अच्छा, आप दोनों लोग साथ में हो? दोनों लोग। अच्छा मतलब आप बाप बेटे हो या फिर क्या? नहीं नहीं। अच्छा नाती है। नाती, ओ तो आप नाना जी हो। ओके, तो भाई नाना जी और नाती साथ में बिजनेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली, नाना जी और नाती साथ में बिजनेस कर रहे हैं। तो अंकल दिखाओ इसका क्या कैसे बनाते हो आप, बहुत अनोखी चीज़ है ये। तो ये है भाई कैथा जो हमें मिल गया लखनऊ में। और ये प्यारे से अंकल जी जो 55 साल की 55 साल 50 ही मान लो, अभी उम्र कहाँ हो, ये दिल तो बच्चा है अभी अंकल का, क्या बात है। और रिंकू भाई किस क्लास से पढ़ते हैं आप? 8वीं पढ़ते हैं। तो अंकल अब इसको क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। तोड़ेंगे, ठीक है, जरा तोड़िए। अच्छा ऐसे तोड़ते हैं इसको। अच्छा ओके, ये तो मुझे बेल की याद दिला रहे हैं, जो गर्मी में बेल का शरबत पीते हैं हम लोग, उसकी याद दिला रहा है। हाँ ये बेल नहीं है, ये कैथा है। ये कैथा है जी। गांव से लाते होगे आप जी? यहाँ तो मिलेगा नहीं, बस टूट गया। टूट गया जी। अच्छा तो अंकल अब क्या करेंगे? अब इसको पेपर में रखेंगे। पेपर में रखेंगे जी हाँ। अच्छा ये देखो, ये अंदर का माल है जी। ओके, तो अंकल ये कहाँ से लाते हो आप, कहाँ से लेके आए हो इसको, ये बताओ? इसको मंडी से लाते हैं। सब्जी मंडी से जी? यार आंसर तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया, सीधे सब्जी मंडी ही बोल दिया। ऐसे कहाँ होता है ये, पहाड़ पे होता है कि प्लेन में होता है? सब जगह होता है। सब जगह होता है जी, जहाँ पौधा लग जाए। जहाँ पौधा लग जाए जी। तो अंकल ये तो मुझे ये दिल्ली मुंबई में चीज दिखती नहीं है, क्यों ऐसा? भैया ये सब चीज, इसका पौधा बहुत लंबा साइज होता है। लंबा होता है? हाँ जी, शहर के अंदर नहीं रहेगा, ये रहेगा जब देहात के अंदर रहेगा, या तो बाग होगा लंबा चौड़ा। अच्छा, इसका पौधा लगाना पड़ता है या फिर अपने आप होता है? नहीं लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है जी। तो अंकल आप यहाँ पे किस किस दिन रहते हो यहाँ पे? यहाँ पर हम रोज आते जाते हैं, ये तो फेरी है। अच्छा जी, और किस समय आते हो आप? अभी ये तो कोई टाइम नहीं है। हाँ ये तो फेरी वाला काम है, कहीं भी हो सकते हो आप। क्या आप आगे मिल जाओ तो वहाँ कर आधा घंटा लगा दे, मतलब इसी एरिया में रहते हो? हाँ इसी एरिया में। ठीक है, तो अभी हम रिंकू भाई से पूरा जायजा ले लेंगे लास्ट में, क्या रिंकू भाई? क्योंकि अंकल को देखो यार, बहुत बेहतरीन चीज बना रहे हैं, कैसा बढ़िया से मस्त। और हो गया ये जी, अब इसको क्या करेंगे अंकल? इसमें हम मसाला डालेंगे। मसाला कितने रुपए का है ये? ये 30 का 1 है। 30 का 1 है? 30 का। कितना? 30 का 30 का 30 का 1 है। और ऐसे ये बना के दे रहे हो, कैसे दे रहे हो? अब ये बन गया ये, तो हमें ज्यादा नहीं, हमें 20 का बनाओ बस अंकल। भैया वो पूरा पीस जाता है। हाँ पूरा पीस, पूरा पीस आता है जी। तो किसी को लेना है तो ये पूरा एक हाँ। एक मतलब कैथा लेना पड़ेगा आपको है कि नहीं? मतलब 20-10 का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अब क्या करोगे अंकल? अब इसमें मसाला डालेंगे। मसाला डालोगे जी? तो दिखाओ कौन सा मसाला डालोगे आप, ये देखिए ये कौन सा मसाला है अंकल? मसाला कौन सा ये बताओ पहले, पहले क्या डाला आपने? ये चाट मसाला है। कौन सा ये जो पहले डाला जी, चाट मसाला जी। थोड़ा सा और डाल दो चाट मसाला, थोड़ा सा और डाल दो आप। चलिए ये चाट मसाला डाल दिया, अब क्या डालोगे अंकल? ये इसमें नमक है, काला नमक है, सादा नमक है। काला नमक है, सादा नमक है। ओके, मिर्च है। और क्या है? मिर्च है, लाल मिर्ची जी। ठीक है अंकल, बस हो चुका। हो गया जी? अच्छा और कुछ डालेंगे इसमें? बस अंकल इतनी सी चीज का, सिर्फ इतनी सी चीज का 30 रुपए ले रहे हो आप? महंगा नहीं है? महंगा कौन है ये? महंगा कुछ नहीं, इतना महंगा दे रहे हो तुम, सिर्फ मसाला आपने नमक डाले और चाट मसाले डाले हो, 30 रुपए ले रहे हो अंकल, ऐसा ना करो। मसाले के दाम थोड़ो ले रहे हैं, माल के दाम ले रहे हैं। माल का दाम ले रहे हो जी, क्या बात है। आप इधर आ जाओ। अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताओ अंकल ये रेडी हो गए हमारे जी? खोल दो इसको, पैक ना करो, खोल दो आप, जरा दिखाओ हमें, हाथ में दे दो हमारे। ये देखो भाई, ये रहा हमारा कैथा। तो मतलब इसको
अच्छा, इसका ये जो कैथा है आपने तो मसाला लगा के दे दिया हमें, इसका और क्या क्या बना सकते हैं हम लोग? इसको आप बना सकते हो बढ़िया चटनी बनेगी घर पे, लहसुन चटनी जो बनेगी वो कैसे बनेगी जरा बता दीजिए। लहसुन है, हरा मिर्च है, धनिया है, सील भट्टे पर रख के इसको मसाला का पीस के बढ़िया चटनी बनेगी, बेस्ट। एक नंबर अंकल, मतलब भाई देखो यहाँ चटनी नहीं बन सकती लेकिन घर पे आप चटनी जरूर बनाना। भाई साहब देखो भाई, मैं टेस्ट करूंगा तो अच्छा ही बोलूंगा, मैं खराब बोलूंगा नहीं, लेकिन आप कस्टमर हो, आप रिव्यू दो खा के, टेस्ट बताओ इसका कि ये अंकल जी जो कैथा दे रहे हैं ये खराब तो नहीं है कहीं? बढ़िया भैया, बढ़िया है, बहुत मस्त। ठीक है, तो आप कैसा है, मतलब खट्टा या खट्टा हल्का हल्का खट्टा है, बढ़िया चीज है ये। अच्छा, आप खाते हो? खाते हैं, बहुत बढ़िया चीज दिए हैं अंकल जी ने। ओके, अच्छा लग रहा है, तो आप रिकमेंड करोगे बाकी लोग यहाँ पे खाने के लिए? हाँ, बढ़िया चीज है, ये सब चीज खाई जाती है। जी जी जी, बहुत लोग हैं ऐसे ऐसे लोग जो शहरों में इसे नहीं जानते हैं, ये इतर ज्यादातर शहरों में मिलेगा भी नहीं आपको, ये शहर में नहीं मिलता है, बराबर ये गांव में, गांव में जंगल जो होगा बहुत घना जंगल वहां पे ये इसकी पैदावार होती है। ये लखनऊ शहर में भी इसका पेड़ जल्दी नहीं मिलता है। ओके, हाँ। बहुत जंगल इलाका होगा कहीं, वहां पे इसका पेड़ मिलेगा। सही बात है। तो भाई ये प्यारे से अंकल जी ने जिनकी उम्र मान लो 50 साल है, मान लो 50, अच्छा सही उम्र नहीं बता रहे आप कितनी उम्र? नहीं नहीं, आप कोई गलत बता रहे हैं, हम सही बताएं, हमको आपकी उम्र अंकल लग रही है 48 लग रही है, क्यों? हमको लग रही है 45-46 लग रही है, 45-46 लग रही है अंकल, 50 झूठ बोलने से, इसीलिए हम पूछ रहे थे बार बार की सही उम्र बताइए अंकल। 50 साल की उम्र में भाई देखो अंकल जी मेहनत कर रहे हैं और फुल अंकल जी एकदम देसी लुक में अंकल जी, मतलब इनको देख के मुझे अपने खुद के दादाजी की याद आ गई। तो मैं वापस से अंकल जी को बोलूंगा, अंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वीडियो बनवाया और बहुत बेहतरीन चीज़ आपने दिखाई, क्योंकि आजकल अंकल जी शहरों में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं और आज की युवाओं को या फिर आने वाली पीढ़ी को जानना ज़रूरी है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें और क्या क्या खा सकते हैं, मतलब पिज़्ज़ा बर्गर और मोमोज के अलावा हम ये सभी चीज़ खा सकते हैं जो देसी है। हाँ, देसी है, है कि नहीं? बाकी अंकल जी के पास, अंकल जी ये क्या है, स्टार जैसे, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये अमरस। अमरस है, अच्छा, ये खाने में खट्टा होता है, ये नाम से ही लग रहा है, ये वाली, ये खट्टी मीठी इमली, ये भी मीठी इमली है, वो खट्टी इमली मीठी इमली, अच्छा ये खट्टी इमली है यहाँ पे और यहाँ पे ये मीठी इमली है। तो अंकल ये बताओ ये जो कैथा है इसके फायदे क्या क्या है? शुगर के लिए है भाई। अच्छा, नाती बोला, बताओ भाई। शुगर के लिए, शुगर टिकरे होते हैं उसके लिए खा लेते हैं और ठीक आ जाता है शुगर, शुगर कंट्रोल करने के लिए। हाँ, कंट्रोल, क्योंकि होता तो सही में बहुत खट्टा है यार, खट्टा होता है कि नहीं? बाकी तो आप देख लो, ये सब सेटअप है अंकल का यहाँ पे, भाई ये देखो ये अंकल जी का सेटअप है। तो अभी तो अंकल इंदिरा नगर में शेखर हॉस्पिटल के सामने है, लेकिन यार अगर अंकल जी का मतलब ये बेहतरीन चीज खाना है तो अंकल ये इसी एरिया मिलोगे अगर किसी को? भूतनाथ के, भूतनाथ मार्केट इंदिरा नगर में मिलोगे आप। अब आपको ये ठेला आपको जहाँ नजर में आएगा, बस सब कोई लाता नहीं, कोई लाता है और मिलेगा ऐसे ठेला, मिलेगा ऐसे ही। बाकी अंकल जी बहुत प्यारे हैं, बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया आदमी है, एक नंबर आदमी है और अपने नाती के साथ में रहते हैं, इनका नाती कहीं भाग गया लगता है, नाश्ता करने गया होगा शाम का टाइम है। तो चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच इस ब्लॉग को देखने के लिए और हम लोग आपके लिए ऐसी बेहतरीन चीज़ें कवर करते रहेंगे। बाकी आपको अगर और भी कुछ कवर करवाना है या फिर जो भी तो हमें बता दो, हम कवर कर लेंगे, कमेंट बता देना। तो ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट आता, फीडबैक ज़रूर देना दोस्तों।